ही हो मेरे जिगर के छल्लो, कैसे आप सब और आप देख रहे हैं आपका अपना गौरव जोन। तो इस दिन का मेरे को बहुत दिन से इंतजार था और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है गौरव जोन में। चले कार लेने, चले चले चले, लग गई यार, लग गई। और हाँ, कार लेने से आने पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रहा तो सब्सक्राइब कर लेना गौरव जोन को। यो, तो दोस्तों अगला दिन हो चुका है और सीढ़ी चलना भी है, सीढ़ी चलना। तो फिलहाल उनका फोन आया था कि भाई मैंने गाड़ी बना दी है और पूरी ओके कर दी है, तो पूरा इंजन लग चुका है और मैं बहुत 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 ज़्यादा एक्साइटेड हुआ कि देखने के लिए कि क्या क्या चेंजेस आए गाड़ी में, पिकअप में क्या है। बंदा कर तो चला के दिखाऊंगा बकरी है गाड़ी। उसने कुछ वीडियो भेजी थी मेरे को व्हाट्सएप पे, तो ये वीडियो देखो पहले। तो मैं आ गया लक्ष्मण मिस्त्री पे, ठीक है, और ये मेरी हो रही है कार। तो अभी पता नहीं क्या चल रहा है, देखते हैं भाई कहाँ तक पहुँचा काम। हाँ भाई काम हो गया है। हो गया, ओके चल रही है गाड़ी। तो माउंटिंग भी टूटी थी, इन्होंने फोटो खींची कि भाई इंजन की माउंटिंग टूटी पड़ी। नीचे की है ये सारी? हाँ, ये सब इंजन की है। तो ये भी टूटी पड़ती है, ये भी आई है 1500 की डल गई है इसमें। तो भाई इन्होंने अपने में दुबई का तेल डाला, ये इंडिया में नहीं मिलते हैं। मैं ये तो सही कह रहा हूँ, पूरा दुबई का है ये, पूरा इंडिया में कहीं दिखा दो कोई तेलो मान जाऊंगा। ये रख देखो कूलेंट भी। हाँ सही कह रहा हूँ। तो कितने का पड़ता है ये वैसे? इसका कोई फिक्स नहीं है? फिक्स रेट है क्यों नहीं, सब प्राइस है। अच्छा प्राइस लिखा हुआ होता है, तो पढ़ लेना भाई वो पोस्ट करके। हाँ 1200 रुपए तेल है। तो भाई वो अपने लक्ष्मण भाई ने वीडियो बनाई है डालते हुए, देखो कूलेंट डाल रहे हैं पूरा दुबई का, इंजन ऑयल पूरा और कूलेंट भी रखा है साइड में। तो पूरी प्रॉपर वीडियो बनाई है, मैं डाल दूंगा, वीडियो देखना अभी वाली। तो भाई ने हमारी गाड़ी स्टार्ट करके दिखाया और देखो यार पूरी मक्खन, आवाज़ पहचान में नहीं आ रही है गाड़ी की यार, पूरी वाइब्रेट नहीं हो रही है, देख रहे हो एकदम मक्खन हो गई है। भाई ने गारंटी लिया, अब राउंड मार के आ रहे हम, अब गाड़ी उड़ाते हैं, ठीक है, चले पेट्रोल डलवा के आते हैं। उड़ रही है तो गाड़ी, भाई हमारे एक्सपर्ट है पूरे। बट ड्रिफ्ट मार के दिखा दो अपनी पब्लिक को, घुमा दो एक बारी, पब्लिक भी हिल जाए क्या हमारे लक्ष्मण भाई है। तो ये गाड़ी उड़ रही है फिलहाल इस टाइम में, बता रहा हूँ लिटरली बता रहा हूँ, उड़ रही है गाड़ी और दूसरे गियर पे ही मतलब स्किड मार रही है, ये हाल है। तो अभी फिलहाल हम आ गए पेट्रोल डलवाने, पेट्रोल डलवा के और फिर पेट्रोल पे और भगाएंगे, फिर दिखाता हूँ आपको मजा क्या है। और इससे अपने दोस्तों को भी चलवाऊं, उन्हें बताऊंगा नहीं कि मैंने पूरा इंजन स्वैप करवा लिया, और उनसे इनका रिएक्शन लेंगे। तो एक बार ही चलते हो, पहले पैसे का दिखाऊंगा। वायरिंग का ही फॉल्ट है जो गाड़ी पेट्रोल पे नहीं चली, देख रहा हूं इसमें थोड़ा एक फॉल्ट निकल आया, थोड़ा वायरिंग का प्रॉब्लम आ चुकी है। दिखा दे, दिखाओ अभी चल के दिखाते हैं। क्योंकि जिस तरह गाड़ी भागी है ना, हाँ दब रही है। अब इसमें इंजन की लाइट आ जाएगी ना, फिर सही हो जाएगी ये मामला, इसमें वायरिंग की प्रॉब्लम। हम कर लेते हैं वो गाड़ी, देखो आगे ना पिकअप, हाँ है ना, वायरिंग का फॉल्ट। हाँ सही कह रहा हूँ, देखे क्या बात है। स्कैनर क्या करेगा, हम खुद स्कैन करते हैं। स्कैनर है हमारे, मैनुअल स्कैनर है। 120 पे जाएगी, अब 100 पे आ गई हो, चढ़ाई पे। अगर ये नीचे होगी तो क्या होगा? सही कह रहा हूँ, एसी में हाँ दो जनों में। सही कह रहा हूँ, भगा दी गंदी, उड़ रही है भाई, उड़ रही है लक्ष्मण भाई। तो दोस्तों इसकी बेयरिंग भी खराब है, आवाज सुनना अगर आपको है, सुना ना आई आवाज, आवाज सुनो क्या बात है। हमारे लक्ष्मण भाई ने गाड़ी चलते चलते पहचान ली, आ रही है। देखो देखो पूरा साफ पड़ा, आज तक तेल नहीं देखा हुआ किसी बंदे ने। सही कह, पूरा वाइट है, वाइट नहीं देखा हुआ तेल की सूरत। अच्छा ये पत्ती दूसरी है क्या? ये वही है, वही है, चलो सही है। ये दिखा रहे हैं कितना खत्म है, आवाज सुनो, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, हल्की आ रही है। मेरे हाथ को पकड़ो, मेरे हाथ को पकड़ो, ऐसी गाड़ी में वाइब्रेशन आती है। हाँ देख लो, हाँ वाइब्रेशन आ रही है देखो यहाँ तक, इसी चक्कर में। तो ये देखो खराब था, आवाज कर रहा है, कटर 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 वाइब्रेट करेगा ये। और ये देखो कितना स्मूथ है, ये जो नया मंगवाया मैंने, ये मेरे को पड़ गया 500 तक का पड़ गया मेरे को ये नया बियरिंग। तो दोस्तों मैं आपको अपना इंजन दिखाता हूँ जो खुला हुआ पड़ा है, वो ये रहा मेरा इंजन,
ठीक है। और मैं बता दूं इसका मैंने ना हेड दो बारी बदलवाया बट कामयाब नहीं है। और कामयाब क्यों नहीं है, मैंने इंजन क्यों बदलवाया? हाँ, तो बेसिकली मैं आपको बता दूं मैंने चेंज क्यों करवाया। एक बारी मेरा इंजन ना खुल गया, हीट हो गई थी, गैसकेट फट गई थी, तो जो हेड होता है वो बदला उन्होंने। बट सीन ऐसा होता है जो होंडा की जो कार होती है उसका जो हेड ब्लॉक होता है और जो बॉडी होती है वो दोनों एल्यूमिनियम की होती है, ठीक है। एक बार ही हेड खुल गया, दूसरा हेड लगाया तो एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम का होगा और गाड़ी एक बार हीट हो गई तो तालमेल बन नहीं पाता, वो कभी गाड़ी ठीक नहीं हो पाती अगर हेड खुल गया तो गाड़ी का, ठीक है। अगर एल्यूमिनियम कभी चिपक नहीं पाता ढंग से, तो फिर मैंने दोबारा हेड बदलवाया। 6 महीने गाड़ी सही चली, सर्दियों में सही चलती है, गर्मियों में ज़्यादा हीट होती है तो ख़राब हो जाती है, फिर मैंने बदलवाया, ठीक है। तो दो बार ही बदलवा लिया, फिर ख़राब हो गया, तो मैंने सोचा पूरा इंजन ही बदलवा लो, तो मैंने इंजन बदलवा लिया जो कभी रिपेयर ना हुआ था, तो वो सही चलेगा। बेसिकली हेड में पैसे लगाना बेकार है, ठीक है। 8,000 रुपये या 6,000 रुपये हर बारी हेड में लगते हैं, वो चीज़ बेकार है। तो दोस्तों फिलहाल लक्ष्मण भाई से मैंने गाड़ी ओके करा ली, तो क्या क्या काम हुआ लक्ष्मण भाई मेरी गाड़ी में? इंजन बेस्ट से बेस्ट तेल, इंजन पलटी किया, इंजन पलटी करा, दुबई का ऑयल डलवाया, ठीक है, माउंटिंग तेल मोबाइल पूरा जनरल सारा काम, माउंटिंग डलवाई और बियरिंग भी डलवाई है, हब बियरिंग भी। तो ये सारा मिला के खर्चा मेरे को आया 25,000 का। और जो इंजन है वो जापानी इंजन है, इंडियन इंजन नहीं है। आप देखो मैं, आप मेरे को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अभी मैं जा रहा हूँ फिलहाल नैनीताल और शिमला की राइड पे जाऊंगा और इसी गाड़ी से जाऊंगा, तो इसका रिव्यू आपको आगे पता चलता रहेगा कि जो ये हमारे भाई गारंटी ले रहे हैं कि भाई 1-2 लाख तक की कोई गारंटी ले रहा हूँ कि कोई दिक्कत नहीं आने की अगर सर्विस टाइम पे कराते रहो, मैं सर्विस भी इन्हीं से कराऊंगा। तो सब्सक्राइब कर लेना, अगर मैं कहीं भी राइड पे जाता हूँ तो सब आपको दिखाऊंगा। जैसे मैंने आपको जिम कॉर्बेट की राइड पे गया था तो मैंने दिखाया था कि भाई अब माउंटिंग की और हेड वेड खराब हो गया था, तो आगे देखते हैं गाड़ी कैसी चलती है और सब्सक्राइब कर लेना। तो ये काम करा है 25,000 का। अभी फिलहाल आपको इनका कार दिखाता हूँ, अगर आप पे कोई भी गाड़ी हो, होंडा सिटी का कोई भी गाड़ी हो, A to Z BMW से लेके मारुति तक सबका इंजन मिल जाता है इनका और सब A to Z ब्रांडेड होता है, ठीक है। तो इनका कार दिखाता हूँ आपको पहले। तो ये हमारे लक्ष्मण भाई का जो है पूरा, ये मायापुरी में है, मायापुरी में आप ये नंबर देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना। और ये पूरा बोर्ड दिखा देता हूँ, अगर आपको देख सकते हो ये पूरा A to Z ऑल कारों का मिल जाता है। अभी भी फिलहाल इन पे सिविक हो रही है और होंडा सिटी हो रही है, तो ये गियर का सब काम करते हैं A to Z। और एक चीज़ और बता दूँ, जब मेरी पूरी गाड़ी करी है, सिंगल बंदे ने करी है, पूरे अकेले बंदे ने करी है, पूरी खोल दी, 5 घंटे में पूरा ओके कर डाला अकेले बंदे ने पूरी गाड़ी को। तो गाइस फिलहाल मैं आ गया घर और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जो मेरा जो साइड मिरर था, ठीक है, वो जो आप पीछे जो देख रहे हो टूटा पड़ा है भाई। ये देखो सब्सक्राइबर है, सब्सक्राइबर एक और आ गया आपसे मिलने। तो ये जो साइड मिरर है ये मैं नेक्स्ट ब्लॉग में इंस्टॉल करूंगा, इसको पेंट वेंट कराना है, तो वो सब जो आने वाला ब्लॉग आएगा उसमें दिखाऊंगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा, एक आप मेरे को कमेंट करके बताना कि आप देखना चाहते हो कि मैं इसकी ड्रैग रेस करूं, और कुछ इसका जो रिव्यू अभी आपको इतना पता नहीं चला हुआ कि भग कैसे रही है गाड़ी, पिकअप कितना है, ठीक है। तो मैं एक सोच रहा हूँ इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊँ, ठीक है, भगा भगा के गाड़ी ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट मार के। तो देखने तो एक बार कमेंट करके बता देना अगर आप देखना चाहते हो तो। हाँ भाई जिगर के छल्लो, कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी हो तो यार थम्स अप जरूर देना। और कुछ क्वेश्चंस है जो पिछली वीडियो में पूछे गए थे कि भाई होंडा जो कार है वो जैपनीज है तो उसमें जैपनीज इंजन लगा रहे हो तो कौन सा बड़ा काम कर रहे हो? तो मेरे भाई मैं खुद होंडा में काम करता था, 6 महीने मैंने खुद काम करा वहां पे होंडा में। तो बेसिकली ये होता है आपका जो कंफ्यूजन है कि वो भी जैपनीज है, कार भी जैपनीज है, सब माल वहां से आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में जितनी भी होंडा की कारें बनती हैं वो सब असेंबल यहाँ होती है, मैन्युफैक्चर यहाँ होती है, तो उसमें ना इंडिया का मटेरियल होता है, ठीक है। तो इंडिया में इंजन बन रहा है, ठीक है, इंडिया का ही मटेरियल यूज हो रहा है। और जो भारत जापानीज जो इंजन बनता है ना, होंडा का जो जापान का जो इंजन बनता है उसमें हाई क्वालिटी वो यूज करते हैं, मटेरियल अच्छा होता है और पिस्टन का साइज बड़ा छोटा होता है, ठीक है। तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है होंडा के इंजन की और जापान में जापानीज। पता नहीं किसका फोन है यार। हेलो, किससे बात करनी है आपको? आपको नंबर कहाँ से मिला? अरे उसमें क्या रखा है, आप इतना बड़ा फैन हो आप ऐसी बातें कर रहे हो? कैसी नहीं भाई, पूछे तो रहो नंबर कहाँ से मिला। यार पता नहीं कहाँ से लोगों को नंबर मिल रहा है मेरा, रात को 3-3 बजे फोन कर रहे हैं भाई। दोबारा फोन आ गया, क्या करूंगा। कह रहा था कि जो जापान में इंजन बनता है उसमें जापान का मटेरियल यूज होता है और वो काफी अच्छा मटेरियल यूज करते हैं, इंडिया में इतना अच्छा नहीं यूज नहीं करते जो मैन्युफैक्चरिंग में। तो जो बेसिकली जो बाहर के इंजन होते हैं वो काफी रफ एंड टफ यूज के लिए होते हैं और इसलिए वो काफी अच्छे चलते हैं, तो इसलिए मैंने जापानीज इंजन लगवाया अपना इंडियन इंजन हटा के। इसलिए मुझे लगता है कि आपको सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। और सब्सक्राइब कर देना लाल कलर को बटन दबा के, क्योंकि ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियोस में बनाता रहूंगा, लाता रहूंगा। भारत माता की जय। तेजा
तूने मुझे अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है भाई, ले जाओ इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ से पहले अपडेट इंस्टाग्राम पे डालता हूँ मैं। ये है यूजर नेम, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो जाओ फॉलो करो भाग के और सब्सक्राइब कर लेना। बाय, मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन।